ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या का मामला अब उलझ पड़ा है। जी हाँ, बिहार पुलिस वैसे तो एक्शन के लिए जानी जाती है, लेकिन मुकेश सहनी जो कभी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, अपने पिता की मौत के बाद नीतीश कुमार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उनके पिता की मौत से जुड़ा हुआ है। पहले मामला समझिए। दरअसल जितन सहनी जो मुकेश सहनी के पिता थे, उनकी हत्या 16 जुलाई को अपराधी ने कर दी और इस मामले में आरोपी ताजिम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने हत्या की बात को कबूल भी किया है, लेकिन मुकेश सहनी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ये सरकार को बचाने के लिए हो रहा है। दरअसल मुकेश सहनी के कई सवाल हैं जो अपने आप में बेहद ही अहम है। मुकेश सहनी का कहना है कि जब हत्यारे कई थे तो फिर एक की गिरफ्तारी क्यों, और इस हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसे अब तक बरामद क्यों नहीं किया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो पुलिस की कार्यशैली को लेकर मुकेश सहनी उठा रहे हैं। केस को थोड़ा डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है सरकार, अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है। केस को जो सरकार अपना इमेज को बचाना चाह रहा है, इसमें सरकार अपना इमेज ना बचाए। अगर इसी तरीके से अगर सरकार अपना हर केस में, सिर्फ ये मेरे केस की बात नहीं कर रहा, राज्य के सभी केस में अगर सरकार इसी तरीके से अपना पल्ला झाड़ते रहेगा तो क्राइम इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो इसको सरकार को गंभीरता से लेके कि भविष्य में ऐसा अपराध बिहार में फिर से ना हो, कोई किसी को मदद करे, मदद लेने के बाद उसी को जाके मार दे, तो फिर तो लोग एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे। जिसको लोग गांव में बैंक या सरकार खड़ा नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता, ये हमारे राज्य में आप बताइए ना, एक बेटी के शादी के लिए लोगों से मदद लेना पड़ता है, ऐसे हमारे राज्य का व्यवस्था हो गया है। हमारे राज्य का इनकम कहाँ चला गया है, राज्य में इतना गरीबी कैसे है। आप इतने साल से सरकार में है और आप बोल रहे हम विकास करें, कहाँ विकास कर रहे हैं, और किसी के दुख सुख में उनको मदद करें और उस व्यक्ति को जाके मार दे और फिर उसको बाद में दूसरे रंग आप दे रहे हैं। या हम लोग समाज के लिए लाखों करोड़ रुपया बॉम्बे का ऐसो आराम जिंदगी को छोड़कर हम लोग समाज के पीछे लगे हुए हैं, उनको उत्थान करने के लिए, अपने राज्य को उत्थान करने के लिए लगे हुए हैं। आप आके लोकल लेवल पे दे आके पता कीजिए ना कि क्या जितन सैनी क्या यहाँ पे ब्याज का धंधा करता है, नहीं करता है। आप पुराने जमाने के लोग हैं, वो अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं, हम और पिताजी हैं, हम पिताजी को क्या कहेंगे, वो अपने स्तर से सब चीज जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनका इस तरीके से कभी काम नहीं है। हाँ, उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको वो जरूर मदद करते हैं, वो पहले से ही रहा है। हमारे पूरे परिवार, हम लोग जब भी गाँव समाज में आते, जितना भी जो लोग आते हैं हमसे मदद मांगते हैं, उन सबको हम लोग मदद करते हैं। हम लोग मदद कर देते हैं तो पूरा ऐसे यूँ ही छोड़ देते हैं, अब पुराने जब लोग हैं तो वो लोग अपने हिसाब से मदद करते हैं। ठीक है, तो जल्दीबाजी है, हम तो आग्रह करेंगे कि जल्दीबाजी ना करें, इसको सही से केस को आगे लेके जाए। तो कुल मिलाकर मुकेश सहनी नीतीश कुमार की पुलिस को सुना रहे हैं। अब सवाल ये कि पुलिस अब तक इस दिशा में जिस तरह से जांच में आगे बढ़ी है, आने वाले समय में क्या अन्य लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इस मामले में एक नहीं कई आरोपी के होने की आशंका जताई जा रही है। जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, उनसे आखिर क्या सुराग निकले हैं, पुलिस को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि उनसे इस मामले में अब तक क्यों कोई सवाल नहीं पूछा गया। अब देखना दिलचस्प होगा, पुलिस इस मामले का पटाक्षेप आखिर कब तक कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।